बाद में कहोगे दोस्तों कौन ससुरा बता दिया था, बॉडी तो नहीं बनी पर चोट लगवा के घर बैठ के, ना घर के रहे ना घाट के। ये जो कमरिया है ऐसे नहीं करना है ना ऐसे करना है, जब गुरु ऐसे करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी बनने लगी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, हम है अभिषेक यादव। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खाते पीते फिट होंगे और मस्त हो। दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पुशअप। रोज अगर आप 50 पुशअप लगाते हैं तो भैया आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, आपकी बॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, यही हमारे वीडियो का टॉपिक है। सब भैया कई प्रकार का होता है, कुछ पुशअप शोल्डर का होता है, कुछ चेस्ट, कुछ अपर बॉडी का होता है, कुछ हम ऐसे पुशअप बताएंगे जिसके साथ साथ आपका लेग भी ट्रेंड होगा, कुछ हम ऐसे पुशअप बताएंगे ना जिसे करके आप अपर बॉडी के साथ साथ अपना लेग भी ट्रेंड कर सकते हैं। दोस्तों बिना देरी किए हम सब वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों शुरुआत कहाँ से करते हैं मालूम है, अगर रोज हम 50 पुशअप लगाएंगे तो हमारे बॉडी में क्या क्या बदलाव होगा पहले ये जानते हैं। रोज भैया अगर हम 50 पुशअप लगाएंगे तो आपकी अपर बॉडी के साथ साथ आपका लेग भी ट्रेंड होगा, और अगर आप बढ़िया तरीके से पुशअप सही फॉर्म में सही तरीके सही टेक्निक से लगाएंगे ना तो भैया आपकी बॉडी 100% बढ़ेगी, जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वे इंक्रीज होने लगेगा और आपकी बॉडी बनने लगेगी। वर्कआउट से पहले भैया एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और घंटा वाला बटन दबा देना। दोस्तों पुशअप करने से पहले ना गुरु वार्म अप कर लेना चाहिए, कोई भी वर्कआउट करो पहले वार्म अप करो, हर वीडियो में बताता हूँ, वरना बाद में कहोगे दोस्तों कौन ससुरा बता दिया था, बॉडी तो नहीं बनी पर चोट लगवा के घर बैठ के, ना घर के रहे ना घाट के। तो फिर दोस्तों इसीलिए कहते हैं भैया वार्म अप जरूर कर लेना बढ़िया तरीके, 2-4 मिनट वार्म अप कर लेना उसके बाद ट्रेनिंग कर। दोस्तों अगर आप पुशअप नहीं कर पा रहे तो आप इंक्लाइन पुशअप कर सकते हो, किसी बेंच का सहारा ले लो, आराम से ऊपर नीचे पहले ये वाला पुशअप मारने लगोगे, बॉडी एकदम ट्रेंड हो जाएगी, तो भैया आप नॉर्मल पुशअप लगाना, धड़ाधड़ मारने क्या करना है, आराम से भैया अपने मान लो थोड़ा सा ऊंचा स्थान भी आप ले सकते हैं, बराबर भी ले सकते हैं पुशअप। भैया मैंने बताया था कई तरीके का होता है, आराम से इसे हाथों को रख लेना है थोड़े ऊंचे स्थान पे पहला, और आराम से बॉडी एकदम सीधी करना है। ये जो कमरिया है ऐसे नहीं करना है ना ऐसे करना है, हाँ ऐसे सीधा कर लेना है आराम से, और आराम से गुरु नीचे जाना है ऐसे करके। जब गुरु ऐसे करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी बनने लगेगी, आपका ये पूरी अपर ऑल बॉडी ट्रेंड हो रही है। तो बिना देरी के हम सब दूसरी वर्कआउट पे चलते हैं। दूसरी वर्कआउट क्या है मालूम है, दूसरी वर्कआउट भी पुशअप ही है, हम मारेंगे दूसरी वर्कआउट भैया डायमंड पुशअप। डायमंड तरीके का ऐसे आकार बना लेंगे और ऊपर नीचे भैया किसी स्थान पे आपको अपने हथवा को ऐसे रख लेना है डायमंड तरीके का आकार बना के, आराम से मारना है, आराम से ऊपर जाना है, आराम से नीचे आना, जितना धीरे करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। अगर अंडबंड तरीके से मारोगे गुरु झंड हो जाओगे, ना ट्राइसेप्स बनेगा ना चेस्ट बनेगा, कहीं इंजरी हो जाएगी और झंड हो जाओगे। वैसे एक बात बताएं, पुशअप ऐसी वर्कआउट है ना जो पूरे ओवरऑल बॉडी पे काम करता है। तिसरकी वर्कआउट कौन सी करेंगे गुरु मालूम है, तिसरकी वर्कआउट हम सब कुछ खतरनाक तरीके से करेंगे, जैसे हनुमान दंड होता है ना वैसे करेंगे, पर गुरु हनुमान दंड की तरह एकदम हनुमान दंड नहीं करना है, हनुमान दंड की ही तरह करेंगे, उसमें हमारा लेग भी ट्रेंड होगा। कैसे करना है, आराम से इसे हाथों को किसी ऊंचे स्थान पर रख लेना है, और ये जो पिछोड़वा है ना थोड़ा इसे उठा ही लेना है, पिछोड़वा जब थोड़ा उठा ही लोगे ना ऐसे आना है, और पुशअप लगाने के बाद स्क्वीप फिर ऐसे खड़े हो जाना है, ऐसे आप कम से कम 4-5 सेट लगाइए एकदम खतरनाक तरीके से, पूरी ओवरऑल बॉडी ट्रेंड हो रही है। इसे आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सब वर्कआउट धीरे धीरे करते हैं पर ये थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों अगर आप इसे लगातार रोज अगर 50 पुशअप लगाएंगे ना, अगर दोस्तों अगर आप रोज इसे 50 पुशअप लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी बनने लगेगी और आपका जो है ना पूरी बॉडी ट्रेंड होगी, ना जिम जाना है ना कहीं वर्कआउट करना है, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना भैया, डाइट, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लोगे तो जो भैया है वे भी झड़ जाएगा, जो आपकी शरीर बनी है अगर हेल्दी डाइट नहीं लोगे वे भी झड़ जाएगा। बढ़िया हेल्दी डाइट लो, हेल्दी डाइट में हो गया अंडा खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, दाल खा सकते हो, चना खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट खा सकते हो। तो फिर दोस्तों इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन जरूर दबा देना।